नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं किशन टाइप वाला वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्राथमिक उपचार के बारे में बताऊंगा। आप घर पर रहते हैं या घर में कोई काम कर रहे हैं तब आपको बिच्छू डंक मार देता है, या रास्ते रास्ते जा रहे हैं तब आपको बिच्छू डंक मार देता है, या खेतों में काम कर रहे होते हैं तब आपको बिच्छू डंक मार देता है, तब आपको एक काम करना होगा। जिस स्थान पर बिच्छू डंक मार देता है उस स्थान पर आपको थोड़ा से आगे एक रस्सी से ये बांध देना है कपड़े से, उस पर अच्छे गांठ बांध देना है ताकि बिच्छू का जहर आगे ना शरीर में फैल सके। फिर आपको जो भी व्यक्ति झाड़ फूँक करता है उस व्यक्ति से झाड़ फूँक करा के फिर आपको एक गांठ पर कपड़े को बांध देना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको गर्भवती महिलाओं को ना देखें, नहीं तो ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको एक नुस्खा यूज करना है जिसका नाम है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में, इसका नाम है लहचिचरा। दोस्तों, यह इसका पेड़ आपको आसानी से जंगल झाड़ी में मिल जाएगा। इस पेड़ को आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इस पेड़ के आगे ऊपर चावल के भाँज छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की पहचान आपको बता ही दिया है। इस पेड़ की जड़ को आप पानी से अच्छी तरीके से धुल लेना है। धुलने के बाद सिलबट्टे पर अच्छी तरीके से पीस लेना है। फिर आपको जिस स्थान पर बिच्छू डंक मारा है उस स्थान पर आपको बांध देना है। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, 100% की गारंटी लेता हूँ कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं ऐसे ही बहुत जानकारी आपको ये लाता रहता हूँ।